तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कॉलेज में तरह तरह के फूल लगा रखे हैं। हाँ, ऐसे छात्र छात्रा वगैरह। नाम क्या है? निर्मला। सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। ये भैया मार खाएगा तू। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज को। हम फ्री डिलीवरी देते हैं और काफ़ी अच्छे रेट के साथ देंगे आपको, अगर मौका मिले तो हमसे कॉन्टेक्ट और हमारे साथ। फ्रेंड, हमारे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिले हैं। कहाँ से वापस? दोस्तों, ये मेरे अंकल जी हैं। मैं यहाँ से रोज़ सब्जी ले जाती हूँ, अच्छी अच्छी सब्जी लेते हैं ये। अच्छा, अभी मैंने देखा तो ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। ये चावल काटा पता जावर मोबाइल सो फ्रेंड, आज अभी दोपहर के 2 बजे हैं। मैं तैयार होके बिल्कुल दोपहर की तपती धूप में निकल गई हूँ लोहाघाट के लिए। सुबह तक गई थी मैं ग्वाला, तो मैं कल भी मुझे कॉलेज जाना था, आज भी। अभी अचानक प्लान बना क्योंकि स्कूटी मेरे पास है नहीं। पहले मैं ग्वाला चले गई थी तो गाय ने आज मेरे जल्दी पहुँच गई, अगर गाड़ी मिल गई तो मुझे मैं कॉलेज भी चली जाऊँगी। आई होप कि कॉलेज का काम मेरा हो जाता, तो थोड़ा मतलब टेंशन हो रही है कि कहीं मेरी एग्ज़ाम फीस रुक गई थी तो टेंशन हो रही है। चलो फिर दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निर्मला नेगी, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी मैं फ्रेंड लोहाघाट के लिए तो मैं निकल गई हूँ और दोपहर की तपती धूप हो रखी है। हाई गर्मी वाली छाता लेके, मम्मी ने बोला छाता ले जा, खाली धूप से तू मरी रहेगी। और चंपा से भैया आ रहे हैं, यहाँ से मैं जा रही हूँ लोहाघाट में, वो मेरे को स्कूटी दे देगा। तो अभी चलते हैं फिर रात। यहाँ की रोड में देख सकती हूँ डामरीकरण हो रहा है हमारी रोड में, बड़े कई सालों से, 10-15 सालों बाद आज डामर पड़ रहा है। पर डामर का काम भी चल रहा है और रोड आगे आगे रोडें साफ कर रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, धन्य हो इन लेबरों के लिए। हम लोग इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, इनका काम यही है। तो और यहीं पर है लूलर लूलर लूलर। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ झड़पत्तिया, यहाँ पर गणेश मंदिर की, यहाँ पर। यहाँ से हमें मिलती है गाड़ियाँ, लेकिन अभी मैं दोपहर में आई हूँ, तो दोपहर में अभी लोहाघाट से ये दिगाली चौड़ को जाएंगी, रौसाल को जाएंगी, लेकिन यहाँ से लोहाघाट को बहुत ही मुश्किल है। तो 5-10 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पर वेट करते करते। अब मुझे लग रहा है मैंने यहाँ से खालगढ़ा तक पैदल जाना पड़ेगा, यानी कि 2 किलोमीटर और चलती हूँ पैदल पैदल। और पहुंच चुके हैं लोहाघाट, मेरा तो पूरा जी मचल गया है इस एल्टो में बैठ के। इस वाली गाड़ी में आए थे हम लोग। दोस्तों, अभी मैं बस स्टेशन जा रही हूँ, वहाँ पर बस का पता करना है, किसी ने बोला है बस का टाइम वगैरह पूछ के आना गुड़गांव वाली। तो भैया अभी स्कूटी का काम करा रहा है, पता नहीं कहाँ गया है, थोड़ी देर में आऊँगा बोल रहे हैं। गुड़गांव वाली बस तो आई नहीं है, थोड़ागढ़ से होते हुए आती है वो, तब तक मैं जाती हूँ कॉलेज को। तो भाई आएगा कॉलेज से, भाई अभी भाई के साथ जा रही हूँ कॉलेज। ये भैया मार खाएगा तू। उधर को मोड़ तो थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? वो तो रेड तो लगाया है पहले, क्या कुछ नहीं था पहले तो है, रेड था यहाँ क्यों नहीं था, और इधर था इसमें, ये इसमें है। तो मैं अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज को। भैया के लिए तो लेट हो रही थी, लेकिन इसको मैंने बोल दिया कि चलो एक बार जाके आता है कॉलेज क्या होता है।
तो अभी पहुंच चुके हैं हम कॉलेज। इस साइड से रखना ऐसे। ये हेलमेट रखने का सही तरीका बता रहे हैं। इसमें आ रहा पूरा। ये कहाँ रहा है भैया? ये ऐसे तो ऐसे कौन करता है भैया? देख ये इतना गंदा है। कॉलेज तेरा है मेरा है? हाँ परीक्षा करती हूँ बाहर। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे कॉलेज में तरह तरह के फूल लगा रखे हैं। हाँ ऐसे छात्र छात्रा वगैरह देख सकते हो। ये है हमारे कॉलेज में प्यारे से फ्लावर। यहाँ पर मेरा अभी काम नहीं हुआ, सर ने बोला 10 मिनट वेट करो। भाई धक्का दे के दे मेरे को, बल वहाँ अपने टीचर से जा। मेरे को डर के मारे बहुत डर लगती है सर लोगों से। कैसा डर लगती है। तो अब ये बोला है मेरे को लोहागढ़ तक छोड़ दे। अब पछता पड़ रहा है इसको क्यों लाई। तो 10 मिनट तक पता नहीं क्या होता है। हाँ एन एच पर पता नहीं। शिक्षार्थी आइए, सेवार्थी जाइए। लेकिन दोस्तों मैं भैया को छोड़ने नहीं गई, क्योंकि अभी एक मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, उनकी गाड़ी जा रही थी तो वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि चलती गाड़ी उन्होंने बोला आप ब्लॉगर हो तो इधर साइड के थे, तो वो मिले उनकी गाड़ी में चले गया भाई लोहागढ़ तक। कल एक सूचना भेजी जा रही थी ना महेश, किसको बाय नेम मांगी। मुझे अभी एक काम दे दिया है, बैंक में जाके जल्दी पेपर फीस जमा करके मुझे वापस कॉलेज आना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी लोहागढ़। तो आ गई हूँ मैं धन्नो के पास और अभी मैं चलती हूँ सीधे लोहागढ़। अरे हेलमेट पहनना भी तो ज़रूरी हुआ। दोस्तों 4 बजने वाला है, 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, मुझे 4 बजे से पहले पहुँचना है बैंक। जैसे ही मैं बैंक आई तो यहाँ पर आज सेकेंड सैटरडे है तो बैंक तो बंद है, और यहाँ पर देख सकते हो पूरा बैंक बंद है। तो दोबारा मैं जाती हूँ कॉलेज, अब देखती हूँ क्या होता है। मेरी एडमिशन फीस अगर बुक होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर अगले दिन आएंगे। ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना था ना अभी आ रही है मैम, वो फीस रसीद यहाँ से निकल जाएगी। एम ए थर्ड सेम का निर्मला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों अभी फॉर्म लेके तो मैं आ गई हूँ, और मुझे मंडे को आना पड़ेगा फिर से कॉलेज। हमारे कॉलेज के बगल में यहाँ पर एक मंदिर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सारे लोगों ने स्कूटी वगैरह पार्क कर रखी है। कॉलेज से हमें जाऊंगी घर को, क्योंकि मुझे मंडे को वापस से आना है। तो अभी जाते हैं लोहागढ़ और लोहागढ़। तो फ्रेंड अभी मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज से लोहागढ़। तो मम्मी बोली थोड़ी सब्जी वगैरह ले आना, अभी लोहागढ़ का व्यू दिखा देते हैं। ये यहाँ पर हमारा टैक्सी स्टैंड है, ये हमारी मार्केट, और यहाँ मार्केट में गाड़ी बैक करने में ऐसे लग जाता है जाम, एक के पीछे एक बड़ा लंबा जाम मिल जाता है। और मैं सब्जी लूँगी यहाँ अंकल की दुकान से। फ्रेंड हमारे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिले हैं, कहाँ से आप? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं, और तो मैंने नहीं पहचाना, इन्होंने मेरे को पहचान लिया था मेरे सब्सक्राइबर। मुझे बहुत खुशी मिली आपसे मिल के। तो मैम खुशी तो अब मिलेगी जब हमारे साथ किसी ने कुछ वो करो। नहीं नहीं खाना पीना मैं खा कुछ नहीं खाती है। किसी ने कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसा कहे नहीं, चाहे आप फल खो वो खाओ। अंकल नमस्ते। तो दोस्तों ये मेरे अंकल जी हैं, मैं यहाँ से रोज़ सब्जी ले जाती हूँ, अच्छी अच्छी सब्जी लेते हैं ये, अच्छे रेट लगाते हैं। अंगूर का रेट है अंकल? तो अंगूर 40 का आधा किलो भाई साहब, 40 का आधा किलो। अंकल जी घर में भी तो खा सकते हैं ना? नहीं नहीं मेरे को खा सकते हैं।
तो मैंने यहाँ से सब्जी खरीद ली 2-4 दिन के लिए। तो मैं सब्जी वगैरह लेके आ गई हूँ, ले जा रही हूँ घर के लिए, चाय के लिए मसाले छोड़े के लिए और सब्जी के लिए तड़का लगाने के लिए दिया इलायची वगैरह ले जा रही हूँ। तो मैंने चाय के लिए मसाले वगैरह भी खरीद लिए, लेकिन अभी यहाँ से जाने की तैयारी हो रही है घर में, क्योंकि शाम हो गई है और शाम के 5 बज चुके हैं, अभी 5 बजने वाले हैं और लोहाघाट में बड़ा ही प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ नेशनल फुटवेयर के यहाँ पर, भैया के यहाँ। यहाँ से हम मैं रोज़ शूज़ वगैरह ख़रीदती हूँ, लेकिन आज पता चला कि ये भी एक यूट्यूबर है, तो मुझे अभी सैंडल वगैरह ख़रीदने थे। तो ये है भैया की दुकान। तो मैं यहाँ से हर बार ले जाती थी शूज़ वगैरह, तो मुझे मतलब डेली ले जाती हूँ जब भी आती हूँ, लेकिन पता नहीं था कि ये भी एक यूट्यूबर है, तो इनसे मिलिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा भी एक YouTube चैनल है जो आपका नेशनल फुटवेयर के नाम से है। हम फुटवेयर की वीडियो बनाते हैं, उसमें भी आप देखिएगा। और हमारा आपका ऑल इंडिया आपका डिलीवर है हमारे पास, उसमें हम फ्री डिलीवरी देते हैं और काफ़ी अच्छे रेट के साथ देंगे आपको। अगर मौका मिले तो हमसे कॉन्टेक्ट और हमारे साथ हमारे एक जोड़ा भी आप घर बैठ के आराम से मंगा सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ से बहुत अच्छे मतलब अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यहीं से ले जाती हूँ, डेली पहनने वाले भी वैसे भी, और आज पता चला कि ये भी एक यूट्यूबर है। तो दोस्तों जरा इनका चैनल भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किस नाम से बता रहा? निर्मला नेगी जी का है इनका, और काफ़ी अच्छा ब्लॉग बना रही हैं अभी मैंने देखा, तो ज़रूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों मैंने भी अब यहाँ पर शॉपिंग कर ली है भैया की दुकान से, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे लिए लेट हो रही है। तो मेरी धनु कुछ इस तरह से यहाँ पर पार्क की गई है, बीचों बीच में अभी से निकालना होगा मुझे, अभी लोहाघाट में भी दिन ढलने वाले हो रखे हैं। तो लगभग मेरा सारा काम हो गया है और अब मैं निकलती हूँ। दोस्तों 5:30 यहीं पर हो गया है, यहाँ से मैं निकलती हूँ और धनु को निकालती हूँ यहाँ से, और फिर मिलती हूँ मैं घर जाके। तो यहाँ पर देखिए मानसी कूट रही है चावल। जर्जर लगा रही है चावल का आटा। पता जाम और मोबाइल आज ना दी 3 दिन माल। हेलो गाइज, आज यहाँ पर त्योहार है, पता नहीं माड़े बना रहे हैं या शोली बना रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाले हो रखे हैं, 6:30 हो रखे हैं। छोटे भाई का फ़ोन भी आने लग गया है कि खबर पूछेगा कहाँ है क्या है। और ऐसे आते हैं पहाड़ों में, जो सब्जी है वो सर पे है, और ये मेरा हो गया बैग वगैरह। अभी मैं पहुंच चुकी हूं घर, मम्मी तो यहां पर है नहीं, घास काटने गई हुई है, और मैं करती हूं दरवाजे वगैरह खोल के लाइट वाइट जला देती हूं क्योंकि शाम भी हो चुकी है, और अपने व्लॉग की एंडिंग भी करती हूं। दोस्तों आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे को नए सब्सक्राइबर मिले तो बहुत खुशी हुई। और मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं आप निर्मला नेगी हो, तो बहुत खुशी होती है जो मतलब इज्जत से बोले। अब दोस्तों फिर मिलते हैं हम ऐसे ही अगले नए व्लॉग के साथ, अपने पहाड़ी कल्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। बाय बाय।